सिंधी बोली है एंड लिपी जो गुण बुनियाद कै के बोली जे गुण बुनियाद जो पतो लहन की कोशिश अथाह जो था हो लहन की कोशिश बराबर है अजो अगर कै मानो का संद खानदान जात नुख अक है अपन डालन जवन पूछ दो त वो पढ़ डाले जर डाले या बंद में तो सतन पीढ़ियों के बिन 250 साल के इतिहास ताई पहुंची थक जी पहुंचो तो ऐसी हालत में सिंधी समेत कदीम बोलियों जिनको इतिहास हजारे साल में फैलल है उनके जानने में लाशक के अण चिकायूं के मुंझारा के रायन जा मतभेद अचना ही आए तने करे उन लेक्चर रहन गुरजे त फलाने ये चयो हो ही ये छो तो ये छकन जो ही घट में घट 5000 साल जो इतिहास है उन में ये गाल उठान है सिंधी ये बुण बुनियाद बाबत पहनो ध्यान छकाने वालो रायो जर्मन विद्वान डॉक्टर अर्नेस्ट ट्रम्प जो है जै वली कशाले ऐं बोलीअ जे गहरे अभ्यास बाद 1872 में पंहिंजे किताब अल्फाबेट एंड ग्रामर ऑफ सिंधी में इहो रायो ॾिनो हो त सिंधी ॿोली संस्कृत जी धीउ आहे हुन वधीक लिखियो त सिंधी निज संस्कृत वारी ॿोली आहे हीअ ॿोली उत्तर ओलह वारियुनि ॿिनि ॾेही ॿोलियुनि जे भेट में परॾेही अनसरनि खां वधीक आजी आहे आजी मुक्त आहे छुटल आहे प्राकृत जा पुराणा व्याकरणी शायदि को सुहिणो सबबु ॾेई सघनि ऐं इहो ॿुधाए सघनि त अपभ्रंश जो कहिड़ो लहजो आहे जंहिंमां सिंधी प्राकृत जे सभिनी खां वधीक बिगड़ियल लहजे जी सूरत में फुटी निकिती हुई पर जॾहिं सिंधीअ जी पंहिंजनि भेनर ॿोलियुनि सां भेट कजे थी त असां सिंधीअ खे ॿियुनि ॾेही ॿोलियुनि जे भेट में अवलीन दर्जो ॾियूं था हीअ ॿोली हाणे हिकु दौर जी मराठी हिंदी पंजाबी ऐं बेंगालीअ खां क़दीम प्राकृत खे सभ खां वधीक वेझी आहे ऐं हिन ॿोलीअ व्याकरण जे सभिनी मुख्य नुक़्तनि खे पाण वटि साढ़े रखियो आहे संभालियो आहे इन करे सभिनी भेनर ॿोलियुनि जे ईर्खा जो बाहिस आहे डॉक्टर ट्रम्प पंहिंजे मौक़ुफ़ में वधीक हीअं चयो सिंधी ॿोलीअ में जेके ख़ुसूसियतूं आहिनि तिन जे आधार ते चई सघिजे थो त सिंधी प्राचीन प्राकृत सां हिकु जहिड़ाई रखे थी सिमिलरिटी हिकु जहिड़ाई सिमिलरिटी ज़रे घटि अहिड़ी ई राय सिंधी ॿोलीअ लाइ सर जॉर्ज ग्रियर्सन जी बि आहे जेको मथे ॾिनल राय में फ़क़ति एतिरो ई इज़ाफ़ो करे थो त सिंधी ऐं लहंदा गॾिजी हाणे लहंदा जेका आहे सा पाकिस्तान जी ॿोली आहे सिंध खां मथे जी जेको अपर जेको पोर्शन आहे सिंध जो उते इहा ॿोली लहंदा हुनखे चवंदा आहिनि ऐं ॿी आहे दारदी हितां ऑल इंडिया रेडियो तां दारदी ॿोलीअ में सर्विस वेंदी अथव इहे नाला तव्हांजे लाइ शायदि सिंध जे लाइ नवां हुजनि पर इहे दारदी लहंदा इहे सिंधीअ जूं नंढियूं भेनरूं आहिनि लहंदा गॾिजी हिंद आयाई देसी ॿोलियुनि जे ॿाहिरें घेरे यानी आउटर सर्कल जो उत्तर ओलह जो ग्रुप ठाहिनि थियूं ऐं उन्हनि में अहिड़ियूं केतिरियूं ख़ुसूसियतूं आहिनि जेके कंहिं उत्तर ओलह वारी सरहद यानी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट जे दारदी ॿोलियुनि सां ॻंढियुनि थियूं अहिड़ी तरह सर ग्रियर्सन अॻिते हली सिंधीअ जो बुनियाद वारे चैप्टर में लिखे थो असांजे अॻियां प्राकृत व्याकरणी मारकंडेय जी वज़ाहत आहे त सिंध में ॻाल्हाइजण वारी अपभ्रंश प्राकृत खे विराचित अपभ्रंश सॾियो वेंदो हो जंहिं मां ई सिंधी फुटी निकिती आहे इहो टेक्निकल वर्ड आहे विराचित जंहिंजो मतिलबु आहे बिगड़ियल विराचित माना डॉक्टर ट्रम्प
ऐं सर ग्रियर्सन तरफ़ा सिंधी ॿोलीअ जे सिटा ग्रामरी ख़ासियतुनि ऐं लोहवी यानि डिक्शनरीअ जूं शब्द भंडार जूं ख़ज़ाने जे आधार ते ॾिनल दलीलनि बाद संदन तरफ़ां कढियल नतीजे त सिंधी ॿोली संस्कृत मां निकितल आहे, तंहिंसां असांजा घणा ई ॾेही आलम जंहिंमें मिर्ज़ा कलीच बेग, भेरोमल महरचंद, लाल सिंह अजवाणी, किशन चंद जैतली ऐं डॉक्टर मुरलीधर जैतली मुकमिल तरह मुतफ़िक राय आहिनि, माना हुन सां सहमत आहिनि, मुतफ़िक राय माना सहमत। काके भेरूमल महरचंद पंहिंजी किताब सिंधी ॿोलीअ जी तारीख़ में साफ़ साफ़ लिखियो आहे त सिंधी संस्कृत मां निकितल ॿोली आहे, जेतोणीकि हुन इन हक़ीक़त तरफ़ बि इशारो कयो आहे त मौजूदह सिंधीअ मां संस्कृत नसुल वारा ऐं ॿिया हर तरह जा धारिया लफ़्ज़ कढी छॾण बाद बि के अहिड़ा लफ़्ज़ रहिजी वञनि था जिन बाबति चई नथो सघिजे त उन्हनि जो बुनियादु कहिड़ो आहे। तव्हां वियो सिंधीअ मां संस्कृत जा हिंदी जा पहिरीं त हिंदी छो जो सभिनी खां पोइ जूं जेके आहिनि इहे ॿोलियूं आहिनि हिंदी ओरिजिनल संस्कृति आहिनि, पर संस्कृत जा बि जेकॾहिं लफ़्ज़ कढी छॾींदा सिंधीअ मां, प्राकृतुनि जा कढी छॾींदा, ॿियनि जा कढी छॾींदा, उनखां पोइ बि लफ़्ज़ बचनि था, उहो चवनि था उहे कहिड़ा आहिनि। हाणे उनखे असां चवंदा आहियूं टेक्निकल ॿोलीअ में देशज, देशज माना ॾेही, जेके उन पर्टिकुलर एरिया सां वास्तो रखंदा। हींअर मूंखे ध्यान में नथो अचे, हिकिड़ा थींदा आहिनि देश जा, ॿिया थींदा आहिनि विदेशी। हिते इहो बि ॼाणाईंदो हाणे जीअं चवंदा आहिनि भई मूंखे बेजारी ॾेई छॾे, बेजारी तव्हां चवंदा आहियो बेजारी छा थींदी आहे, बेजारीअ जो मतां इहो हिकिड़ो देश हिकिड़ो लफ़्ज़ आहे मूंखे सुझी आयो, बेजारी छा आहे, बेजारी माना अहिड़ो क्रिटिकल टाइम जंहिं वक़्तु तव्हांखे कंहिंजी ज़रूरत हुजे ओॾी महिल तव्हांखे दुख ॾेई वञे, मूंखे बेचारी ॾेई वियो माना जेॾी महिल मूंखे तमामु घणी हुनजी ज़रूरत हुई ओॾी महिल भॼी वियो, अहिड़े घणी आहिनि हिते इहो बि ॼाणाईंदो हलजे त डॉक्टर ट्रंप ऐं सर ग्रियर्सन खां अॻु में ॿिए हिकु यूरोपीय स्कॉलर कैप्टन जॉर्ज स्टैक पुण 1850 धारे सिंधीअ जो ग्रामर लिखणु ऐं अंग्रेज़ी सिंधी ऐं सिंधी अंग्रेज़ी डिक्शनरी जोड़णु जहिड़ो जफ़ाकशी ऐं अभ्यास जो कमु कंदे इहो रायो ॾिनो हो त सिंधी ॿोली संस्कृत मां निकितल आहे। इहे ॿ डिक्शनरियूं ॾाढियूं मशहूरु अथव सिंधी में ऐं ओरिजिनल पहिरियूं पहिरियूं जेके आहिनि ऐं देवनागरीअ में आहिनि कैप्टन जॉर्ज स्टैक जूं, ऐं हुन मां हिकिड़ी बॉम्बे जो हिते साहित्य अकादमी रिप्रोड्यूस कई आहे, छपाई आहे, अवेलेबल आहे। हिते इहो साफ़ कंदो हलिजे त इन्हनि यूरोपी स्कॉलरनि ऐं इन जे सिंधी ॿोलीअ जे गुण बुनियाद बाबति राय जी हिमायत कंदड़ मज़कूर ॾेही आलम इहो मफ़रज़ो खणी पिए हलिया आहिनि त सिंधी आर्याई ॿोली आहे ऐं आर्य सिंध में ऐं पिण हिंदुस्तान में किथां ॿाहिरां अची वेठा हुआ। हिते इहो ॿुधाइजे त डॉक्टर ट्रंप सर ग्रियर्सन ऐं कैप्टन जॉर्ज स्टैक जा मज़कूर राया मोहन जे दड़े ऐं हड़ापा वारनि खोटाइयुनि ऐं सिंधु माज़ीअ जे महान संस्कृति इंडस वैली सिविलाइजेशन जे मंज़रे आम ते अचण खां अॻु जा आहिनि। जेके 1850 जा इहे मोहन जो दड़ो करे आयो 1921 में भाॻ में इहो मोहन जो दड़ो जी खोटाई जेका थी आहे
ऐं हू जेके हिननि लाया वेंदा आहिनि असांजे ट्रम्प एंड हिन कैप्टन जॉर्ज स्टैग घणो घणो बहरहाल असांजे पंहिंजे ई ज़माने जे हिकु वॾे आलम ऐं अदब जी तारीख़ नवीस प्रिंसिपल लाल सिंह अजवाणी 1970 में शाया थियल हिस्ट्री ऑफ सिंधी लिटरेचर किताब में बुनियादी तरह डॉक्टर ट्रम्प ग्रियर्सन ऐं कैप्टन स्टैग जी राय जी ई तस्दीक कई आहे। असांजे हमअसर आलम हमअसर माना समकालीन असां सां गॾु हलंदड़ आलम ऐं अदबी तारीख़ नवीस डॉक्टर मुरलीधर जैतरीअ पाण पंहिंजे सिंधी साहित्य जो इतिहास किताब में सिंधी ॿोलीअ जे हुन बुनियाद ते रोशनी विझंदे बिल्कुलु साफ़ ऐं चिटो कयो आहे त सिंधी संस्कृत नसल जी ॿोली आहे। डॉक्टर जैतरी पंहिंजी राय जी वज़ाहत कंदे लिखे थो त सिंधी ॿोली हिंद यूरोपी परिवार जी हिंद यूरोपी परिवार जे हिंद ईरानी शाख सां वास्तो रखंदड़ आहे। वॾो जेको दफ़ो आहे ग्रुप आहे उहो आहे इंडो यूरोपियन, जंहिंखे मूं चयो हिंद यूरोपी, ऐं उन जी वरी शाख आहे इंडो ईरानियन। त उन मां इहा नंढी जेका ॿी ग्रुप आहे उन सां इहा असांजो वास्तो रखंदड़ आहे। सिंधी ॿोलीअ जे जड़ुनि में खोड़ विझंदे डॉक्टर जैतरी लिखे थो हिंद ईरानी दफ़े वारनि ॿोलियुनि जूं वरी टे शाखूं आहिनि ईरानी दारदी ऐं हिंद आर्याई। अॻिते हली पिन पॉइंट कंदे चवे थो त हाणोकी यानी मॉडर्न सिंधी जंहिंजो आगाज़ ॿियुनि जदीद भारतीय ॿोलियुनि हिंदी मराठी बंगाली गुजराती उड़िया पंजाबी वांगुरु अॼुकल्ह 11वीं सदी ईस्वी धारे थियो। जेके बि अॼुकल्ह तव्हां ॿोलियूं ॾिसो था न इहे जेके मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज चऊं था MIL उहे 11वीं सदीअ जी पैदाश आहे। सभिनी जो जड़ो उन विशाल हिंद यूरोपी परिवार जी नंढी शाख हिंद आर्याई ॿोलियुनि वारी शाख में आहे, जेके ईस्वी सन खां अॼुकल्ह 6000 साल अॻु प्रोटो प्राकृत वारे रूप में थियूं ऐं जिन ज़रिए ई उन ज़माने में ऋग वेद जी रचना थी, जेको सालनि जा साल सीने ब सीने वारी हलंदड़ रवायत मूजिबि कलम बंदि थी अॼु असां वटि लिखत रूप में आहे। ऋग्वेद पहिरीं जेको हो सो लिखत में कोन हो, वाते वेड़े जंहिंखे असां चवंदा आहियूं सीने ब सीने, मूं यादि कयो तव्हांखे ॿुधायो वरी तव्हां यादि कयो ॿिए खे ॿुधायो, इहो अॼु असां वटि लिखत रूप में आहे। वक़्तु गुज़रंदे हिंद आर्याई क़िस्म जे हिननि पुराणियुनि प्राकृतुनि फैलाव पातो ऐं उन ज़रिए ॿिनि बि केतिरनि वेदनि उपनिषदनि ऐं शास्त्रनि जी रचना थी जंहिंसां पुराणनि प्राकृतुनि जे उन रूप खे वैदिक संस्कृत जो नालो ॾिनो वियो। उनखे वैदिक संस्कृत बि चवंदा आहिनि ऐं ॿियो उनजो नालो आहे छंदस, छंदस छाकाणि जो छंदनि में आहे। वेदनि ऐं ॿियनि ग्रंथनि जी रचना ऐं ॿाहिरी ॿोलचाल सां हिननि पुराणनि प्राकृतुनि में तब्दील ईंदी रही, जेका विद्वाननि लाइ चिंता जो सबबु बणी ऐं ईस्वी सन खां अॼुकल्ह 500 साल अॻु हिकु विद्वान ऐं व्याकरण जे आचार्य पाणिनी वैदिक संस्कृत जे उन बदिलजंदड़ ऐं बिगड़ंदड़ हालति खे रोकण लाइ व्याकरण जे नियमनि क़ाइदनि जी जोड़जक ठाही, जेके नेम ऐं क़ाइदा उनजे मशहूरु किताब अष्टाध्यायी, सभिनी माउ पीउ जो जेके हिन सां वास्तो रखंदा उनखे ख़बर हूंदी अष्टाध्यायी माना अठ अध्याय अष्टाध्यायी में दर्ज आहिनि। पाणिनीअ जे इन कोशिश बाद संस्कृत ॿोलीअ में तब्दील ऐं गिरावट घणे कदुरु बंदि थी, पर जेका थोरी घणी तब्दील थी त उनखे वरी ईस्वी सन खां 200 साल अॻु जी हिकु व्याकरणी पतंजलि ऐं कात्यायन ऐं किन ॿियनि उन रुकावट खे रोकण लाइ उपाउ वरिता। जेसिताईं अॼोकी संस्कृत जो वास्तो आहे उहा अॼु ताईं उन्हनि ग्रामर जे
आचार्य के नेमल मूजिब लिखी वाले थी अजो की संस्कृत उन्हें में जो आए सो पतंजलि जो आए पतंजलि जो नालो वाच कर तावड़ी में नाले में बुझों तो रामदेव गाने वो उन्हें आज क्या ब्याह घर कम आ ये ड्रामा खाएंगे वो और ड्रामा बच्चे मैं चुप सही है मात्र पाइंट ये था अरे बहरहाल बोली था कि वांदर दरिया वांग रहा है उन्हें तो केतरा बंद बद जन डैमू वाले जन पर उन्हें जाप्ते में रखने की कोशिश कई बने पर वह पहली वाट पानी जोड़ने दी हलन दिया है ऐ पहले परवाह वाले इराज़ जा ऐ मकानी असर खाना दी रही थी पाणिनि जे अष्टाध्यायी ऐं उन खां पोइ वारनि ग्रामर आचार्यनि जे नेमन बाद बि बोल चाल वारनि मुहावरनि में ऐं पोइ जुदा जुदा एराज़ियुनि जे लिखित रूप में लिखल साहित्य वारनि रूपनि में तब्दीलियूं ईंदियूं रहियूं जिन में मकानी असरनि मख़सूस मख़सूस ख़ितनि जे माण्हुनि जे लॻ लाॻापन आबादीअ वारियुनि यानी डेमोग्राफिक तब्दीलियुनि ऐं उन्हनि जो असरु आहे ताज दिसंदा त सिंधी ॿोली हिते अची वञी कीअं वेंदी आहे हिते जेकॾहिं महाराष्ट्र में रहनि था उहे महाराष्ट्र जो असरु आहे हा ऐं जेके हिन में रहनि था असांजे गुजरात में वांदो न आहे वांदो न आहे असां वटि वांदे जी माना ॿी हुई हेतिरी वांदे जी माना ॿी थी वई आहे सम्झ कमु महाराष्ट्र में वेंदा ई वरी करो लफड़ो कयो अथई इहो लफड़ो हाणे ॿुधाए सिंधी जो लफड़ो लफ़्ज़ थोरो ई आहे इहा लफड़ा ऐं वांदो ये जेके आहिनि से हितां जूं अॻियां घणेई आहिनि तव्हां यादि कंदा त लोकल जेके असर आहिनि हिते असां वटि दिल्लीअ जा वरी मशहूरु जेको लफ़्ज़ आहे उहा बढ़िया ॾाढो बढ़िया आहे सम्झो हर सिंधीअ में सिंध में असां कॾहिं बढ़िया लफ़्ज़ ख़तमु कोन कंदो त आचार्यनि ऐं आलमनि भ्रष्टता यानी बिगाड़ ऐं ॿोलीअ जी गिरावट जंहिंखे करे लिखियो उहे उहे रूप अपभ्रंश करे छॾिया वञनि था व्याकरण आचार्यनि अपभ्रंश जा टे मुख्य रूप ॼाणाया हिकिड़ो नागर अपभ्रंश जेका मालवा ओभर राजस्थान ऐं गुजरात में मुरवज हुई ॿियो विराचिड अपभ्रंश जेका सिंध खां मथे वारनि भाङनि ऐं मुल्तान में हलंदी हुई ऐं टीं आहे उपनागर जेका ओलह राजस्थान जे ओलह राजस्थान जी भाषा करे लिखियो वञे थो जोधपुर थी बीकानेर थियो इहो इहो ओलह राजस्थान वारो सत्रहीं सदीअ जे भाषा शास्त्री मार्कंडेय ॿोलियुनि जी तफ़्तीश कंदे पंहिंजे किताब प्राकृत सर्वस्व में लिखियो आहे त सिंधी ॿोली विराचित अपभ्रंश मां निकितल आहे बहरहाल इन राय सां घणनि खे मतभेद आहे मार्कंडे जे इन राय ते दबियल लोह में शक सभ खां पहिरीं डॉक्टर ट्रंप ई ज़ाहिर कयो हो त हिन पेपर जो पहिरियों पोर्शन पढ़ियो ॿुधो हूंदो न उन में ॾिठो अर्नेस्ट ट्रंप जेको आहे उन शक ॾेखारियो आहे हुते त भई उन अलाए कहिड़े नालो ते मिली चयो आहे ऐं हाणे चिठी ॻाल्हि थी पई आहे हाणे जेके अॼु जा इहे विद्वान आहिनि उहे खोले था चवनि हुन चयो हो त प्राकृत जा पुराणा व्याकरण ई शायदि को सुहिणो सबबु ॾेई सघनि सम्झो पर अॼुकल्ह जा त जेके आलम आहिनि उहे त ॾियनि था सबबु हीअ ॿोली हाणोके दौर जी मराठी हिंदी पंजाबी ऐं बंगालीअ खां क़दीम प्राकृत खे वधीक वेझी आहे डॉक्टर अॻिते हली पंहिंजे इन राय खे अञा वधीक चेतो करे थो जॾहिं हू चवे थो त सिंधी ॿोलीअ पंहिंजे असली बुण बुनियाद खां छिॼण वारी हालति जे वक़्त जूं क़दीम प्राकृत जहिड़ियूं सभु ख़ुसूसियतूं पाण वटि सांढे सोघियूं कयूं आहिनि पर इहे सिंधीअ जे ॿियनि सभिनी भेनर ॿोलियुनि क़ाइमु न रखियूं आहिनि मार्कंडे जे मज़कूर राय ते फ़क़ति डॉक्टर ट्रंप ई शक कोन उथारियो पर उन खां पोइ जे टीकाकारनि प्रिंसिपल अजवाणी जयराम दास दौलत राम डॉक्टर नबी बख्श ख़ान बलोच सिंध जो वॾे में वॾो आलम
जो पंजाब यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहे हो, डॉक्टर अलाना डॉक्टर मुरलीधर जेतली है जरा आलम जी विद्वान हैं वे भी उन शक उथारे रहा है। बी तरफ नजर वराजे तो डॉक्टर ट्रम्प सर धीरे सन सन राय वाले केतर ही आलम की यह राय तो सिंधी निज संस्कृति वाली बोली है उनको सभी का पैर विरोध सिंध के एक आलम डॉक्टर नबी बख्श खान भरोस किया जै 1962 में पैं किताब सिंधी बोली ए अदब की तारीख में लिखो तो सिंधी सामी सतह की बोली है। सामी माना असो सामी न उन चाहिए सेमेटिक टेक्निकल बोली में है सेमेटिक माना जेका अरब जैमा अरबी इब्रूनी ये उन्हें सऊदी अरब वाले पास जो या गल्फ वाले पास जो बोली लिखी है उनके चाहिए सेमेटिक या सामी सामी सतह की बोली है। उन्हें लिखो बोलियों जो कदीम तौर अटकल चौथी सदी ए उन अगवारो जमानो है जैसे सिंध की बोली या बोलियों वो दौर चई सके तो उन वक्त सिंधी बोली या बोलिय जरूर हुई मगर सिंधी बोली जैसे असा इल्मी तरह जान है सा अना नापैद हुई उन अरसे में सिंध की बोली या बोलियों से सामी द्रावड़ी ए आर्याई बोलियों को असर पो मोहन के दड़े के आसार कदीमा में मिलल मवाद ए मालूमात के बुनियाद से चई सके तो सिंध की कदीम बोली शायद कसानी जुबान के सथ में हुई जैसे द्रावड़ी ए आर्याई बोलियों को असर पो। अगत हलां तो डॉक्टर बलोच के इन मौकफ के ध्यान से दिसबो तो नजर इंद सिंधी बोली के सामी सतह की बोली तो सजो है पर इन को भी पक्ो पुख्त सबूत या दलील न दिनों है। सिंधी के सामी जुबान से वाबस्तगी तो छो डॉक्टर बलोच जो लिखो है तो कदीम जमाने में सिंध की बोली से घने में घो असर ईरानी ए दारदी जो थो खुद इन मौकफ की तरदीद भी सर ग्रियसन के इन बयान से थे थी जैमें वो चवे तो ओल में सिंधी से बलोची लगे थी जेका एक ईरानी जुबान है जैसा तमाम दूर जो वास्तो अथस इन करे उनको को असर कोन अथस उत्तर तरफ वो लहंदा सा लगे थी जैसा वेझो लगा तो रखे थी हाँ डॉक्टर बलोच वाइज है पर सिंध के ओल में तो बलोचिस्तान है हर कें खबर है जैसे कर बलोची जो असर सुनते थी सके तो ईरान तो अना उन पड़े रहो जिस तीन डॉक्टर बलोच के मोहन के दड़े के आसर कदीमा में मिले मवाद ए मालूमात जो हाल वास्तो है तें बाबत एतरो चवण काफ़ी है तो मोहन के दड़े वाले मोहरुन से वाकई लिखावट या बिन उकरातुन जहाँ मफहूम अना ती तसला बख्श नमूने में सलजी न सकया अना ती डेसिफर न थी सकया तो भाई लिखल है मेहनतू ढी थी तमाम घना सिंध ज आलम स्कैंडिनेविया जहाँ फिनलैंड जो आलम है अमेरिका जो आलम है पर अना ती खबर पी को तो वह है डॉक्टर बलोच के राय के सब का पैं एतराज भी सिंध अंदर ही थो जैसे मोहम्मद इब्राहिम जोए शेख अयाज सिराज मेमण ए तनवीर अब्बासी जड़ा नौजवान उनके खिलाफ उठी खड़ा थे ए उन तरफा उत्साहित करते सिराज अल हक मेमण 1964 में सिंधी बोली नाले किताब शाया कयो डॉक्टर बलोच की राय की तरदीद कई माना उनके जेका बलोच चयो तो सामी बोली है उनके इन पंज छह जणन रद्द कयो। सिराज साहब जो वो दलील यो तो सामी सत्थ वालों ए खास कर अरबी लफ्ज़ की मूल धातु की बनावट अक्सर टिन अखर का थी टिन अखर का थी ये जब्त नजर तरबी जहाँ पे अखर दिना ना तो उन मूल जो अव सो टिन अखर से है उनका जब्त में जब्त फहम में मफहूम वो अखर टे हूं टे हूँ नजर नजर या थी तो मूल उन टिन अखर से पर वो चे तो इनमें तो यह गाल ही को
जिया अखरा ने खबर खबर कत्ल नजर पर सिंधी में घणे किस्म जो को बि क़ाइदो कार फरमान न आहे। जेसिताईं डॉक्टर गलोच जे मोहन जे दड़े जे आसार कदीमा मां मिलियल मवाद ऐं मालूमात वारे हवाले जो वास्तो हो त उन जे जवाब में ईअं चयो त मोहन जे दड़े वारनि लिखावटनि जो अञा ताईं बि को कत ई फ़ैसिलो न थियो आहे। बरहाल सराज साहिब जो वरी सिंधी ॿोली किताब ज़रिए हमिलो ॿितरफ़ो हो। हिकु तरफ़ त बरोज साहिब जे राय जो खंडन कयो त उहा सामी सत जी ॿोली आहे, त ॿिए तरफ़ वरी साॻे ई किताब ज़रिए इन राय खे अॻियां ताईं त सिंधी संस्कृत जी ॼाई न पर संस्कृत सिंधी जी ॼाई आहे। इहो 1964 में इहो गोड़ हलियो हो। असांजे डॉक्टर साहिब खे बलदेव खे ख़बर हूंदी उनजो केॾो गुलगुलो मतो हो जॾहिं हुन चयो त संस्कृत सिंधीअ मां निकिती आहे। सिराज साहिब पंहिंजे किताब जे ज़रिए इहो साबित करण जी कोशिशि कई त मशरक़ी तौर मगरब जे सभिनी तहज़ीबुनि ऐं ॿोलियुनि जो असुल मुक़ाम ऐं बुनियाद सिंधु माथिरी आहे। पर ख़ैर हाणे मां इनखे कटींदुसि शाट में, पोइ उन खां पोइ उनजी एतिरी मुखालफ़त थी आहे जो हुन पोइ वरी चुप थी वियो। उन पंहिंजी राय खे छॾे ॾिनो। सिराज साहिब मुंहिंजो दोस्त रहियो, ॿ दफ़ा मुंहिंजे घरां बि त थी वियो जंहिंमें डॉक्टर साहिब खे मूं घुरायो हो छाकाणि त इलाजु कराइणु आयो हो। इन में मैदानता में इलाजु मुंहिंजो दोस्त हो, ख़ासि दोस्त हो। पोइ मूंखे चयईं हीरा साहिब हाणे असांखे सॼी दुनिया थी पंहिंजे पंहिंजे ॿोलीअ जी इहा करे तारीफ़, जेकॾहिं असां पंहिंजे सिंधीअ लाइ चयोसीं त संस्कृत मां निकिती आहे। बहरहाल जीअं ज़ाहिर आहे सिराज साहिब जो मफ़रूज़ तमामु वॾियुनि दवाउनि ऐं घटि ऐं कमज़ोर सबूतनि सबबि घणी हिमायत हासिलु करे न सघियो। मोहन जे दर जे मोहरनि ऐं ॿिए सामग्रीअ यारहं मंत्रियुनि खे एतिरो टाइम ग़रीबनि खे मंत्री त तव्हांखे क़बूल आहिनि पर फ़क़ीर तव्हांखे क़बूल न आहिनि। कमज़ोर सबूतनि सबबि घणी हिमायत हासिलु करे न सघियो। मोहन जे दर जे मोहरनि ऐं ॿी सामग्री ते लिखावटनि जी भाणी जी न फादर हिरास या जॉन मार्शल जी ऐं नई परपोला ब्रादरान ऐं फेयर सर्विस जी तजवीज़ कयल नतीजनि खे हर्फ़ आख़िर सम्झो वियो आहे। ख़ुदि सिराज साहिब पाण बि आस्कर परपोला जी तजवीज़ कयल केतिरनि पढ़ण सां इख़्तिलाफ़ु ज़ाहिर कयो। अहिड़ी हालति में सॼी दुनिया जी तहज़ीब तमदुन जो माख़ज़ सिंधु माथिरीअ वारी तमदुन आहे या संस्कृत ॿोली सिंधी ॿोलीअ जी ॼाई आहे, अहिड़ियुनि दावाउनि जी विश्वास पात्रता लाइ फ़िलहाल इंतज़ार करणो पवंदो। अहिड़े पस मंज़र में इहो नज़रियो त सिंधी हिंदू आर्याई सथ जी ॿोली आहे जो मर्कज़ी हैसियत हासिलु करे थो। पर इन सिलसिले में बि मार्कंडे जो ज़ाहिर कयल रहियो त सिंधी ॿोली प्राचीन अपभ्रंश मां निकितल आहे, सो वॾे रोले जो सबबु रहियो आहे। जीअं अॻु में चयो वियो त उन ते दॿियल नोह में शक शुबा अर्नेस्ट ट्रंप ई ज़ाहिर कया हुआ, पर ॾींहों ॾींहुं उन ते वधीक ऐं वधीक एतिराज़ थींदा रहिया आहिनि। अहिड़ो एतिराज़ कंदड़नि में स्वर्गवासी जयरामदास दौलतराम, डॉक्टर नबी बख्श बलोच, डॉक्टर मुरलीधर जेटली ऐं डॉक्टर होलाम अली अलाना समेत घणेई आलम शामिल आहिनि। श्री जयरामदास दौलतराम 1947 वारी ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस में पंहिंजो पेपर एंसेस्टरी ऑफ सिंधी पेश कयो, जंहिंमें हुन मार्कंडीअ तरफ़ां पंहिंजे किताब प्राकृत सर्वस्व जे अरिड़हें बाब में ॾिनल इन राय जी त प्राचीन अपभ्रंश सिंधु देश में पैदा थी उन ते तफ़सील सां छंड चाण पेश कई ऐं दलील दलाल सां इहा राय क़ाइमु कई त सिंधी ॿोली प्राचीन अपभ्रंश मां कान निकिती आहे। पर उहो इहो किताबु मूं हिननि खे ॾिनो आहे ऐं मां पंहिंजो 25 पेजनि खण जो किताबु आहे जयरामदास दौलतराम जो एंसेस्टरी ऑफ सिंधी लैंग्वेज
उन्हें उन कीअं दलीलन सां उन ॻाल्हि खे कटियो आहे त उहा हिन मां कान विराशत मां कान निकिती आहे पर उहा हेठी सिंधु माथिरीअ जे कंहिं मर्कज़ी हंधि मुमकिन आहे त ब्राह्मण का या ब्राह्मणाबाद में उसरी हुजे हू चवे थो त हिंद आर्याई ॿोलियुनि जी इर्तिका जो सिलसिलो इन अमकान जी पुठिवाराई करे सघे थो त वेदनि खां अॻु वारी कंहिं प्राकृत जो को आगाटो नमूनो जेको हेठी सिंधु माथिरीअ जे माण्हुनि तरफ़ां ॻाल्हायो वेंदो हो उहो ओसर पाईंदो वधंदो प्राकृत जे ॿिए दौर में पुराणी सिंधी ॿोलीअ जे रूप में उभरी निकितो हाणे हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हां हिते ध्यान में रखिजो त जेके सिंधु माथिरी चइजे थो उहा का सिंध अॼोकी सिंध जेका आहे उहा सिंधु माथिरी न आहे सिंधु माथिरी जेका आहे सा कश्मीर ताईं वञे थी तव्हां कल्हण जो किताबु राज तरंगिणी पढ़ंदो संस्कृत में त उन में इहा ॻाल्हि लिखियलु आहे त सिंध जी जेका हद हूंदी हुई असां कश्मीर सां लॻंदी हुई पहिरीं झगड़ा पिया थींदा हिक ॿिए खे मारींदा पिया कश्मीरी ऐं सिंधी पर पोइ पाण में ॿिन्ही जे राजाउनि फ़ैसिलो कयो त लड़ाई झगड़े मां को फ़ाइदो कोन्हे को पोइ उन्हनि इहो फ़ैसिलो कयो या इहो राज तरंगिणीअ मां थो ॿुधायो पोइ इहो फ़ैसिलो कयऊं त भई कश्मीर जे सरहद ते सरोवर हिन जा सनोबर जा वण लॻाए वेंदासीं सॼी सरहद ते ऐं सिंध जे राजा चयो त मां पंहिंजी सरहद ते पिपल जा वण लॻाईंदुसि पोइ हिकिड़े पासे उन्हनि पिपल जा लॻाया ॿिए पासे हुन जा सॼी सरहद ते सनोबर जा लॻाया पोइ हुन जा जेके ॿिन्ही जूं टाड़ियूं हुयूं उहे पाण में भाकुड़ पाए पाईंदियूं हुयूं इहो हिकिड़ो आर्टिस्टिक वे आहे चवण जो त ॿिन्ही देशनि जा जेके माण्हू हुआ उहे पाण में गले लॻा पिया लड़ाई झगड़ा बंदि करे जीअं टाड़ियूं सरहद ते भाकुड़नि में हूंदियूं हुयूं इहो राज तरंगिणीअ में अथव ज़िक्र त तंहिंजे माना जेका असांजी सिंध जी पुराणी सिंध आहे उहा उन जी जेका सरहद आहे सा कश्मीर ताईं आहे इहा ॻाल्हि हमेशह यादि रखो श्री जयराम दास पंहिंजे पेपर में इहो गुमान बि कढे थो त उन बाद संस्कृत ॿोली आलमनि में प्यारी ऐं मुरवज थी ऐं अंतर प्रांतिक सतह ते हलंदड़ नागर अपभ्रंश बि वराचण जे सूरत में पंहिंजा रूप निर्वार कया ऐं उन वक़्तु मौजूदा सिंध जे कंहिं उत्तर वारे हिसे में सिंधी प्राकृत आज़ाद नमूने उसरी रही हुई श्री जयराम दास खे इन में शक आहे त उहो वराचण अपभ्रंश हेठी यानी लोअर इंडस वैली हेठी सिंध माथिरीअ जी आम ॿोली हुई पर हू अहिड़ो अनुमान लॻाए थो त सिंध खां उत्तर वारे भाङे में उहा मुरवज हुअण सबबि वराचण जे किन लफ़्ज़नि जे उचारण जो प्राकृत मां सिधे नमूने फुटी निकितल सिंधी ॿोलीअ ते बि शायदि रंग चढ़ियो हुजे जेके सिंध खां मथे वारा जेको सिंधु सोवीर हो या ॿिया जेके इलाइक़ा हुआ जेके अॼुकल्ह मुल्तान जे नाले सां सियालकोट जे नाले सां लाहौर जे नाले सां सुञाणा था वञनि था त इहा उन ज़माने में त उहा सिंध हुई न अहिड़ो ई रायो डॉक्टर मुरलीधर जेटली जो बि आहे जंहिं 1991 में महरान रिसाले खे ॾिनल इंटरव्यू में चयो त मार्कंडेय वराचण अपभ्रंश जूं ख़ासि ख़ुसूसियतूं बि बयानु कयूं आहिनि पर अफ़सोस आहे जो मार्कंडेय ॾिनल मिसाल ऐं बयानु कयल वराचण जूं ख़ुसूसियतूं सिंधी ॿोलीअ जे लिसानियाती माना भाषा विज्ञान हीअ डॉक्टर जेटलीअ जा लफ़्ज़ आहिनि त विराचन जूं ख़ुसूसियतूं सिंधी ॿोलीअ जे लिसानियाती ख़ुसूसियतुनि सां हिकु जहिड़ाई नथियूं रखनि ऐं नई विराचन में को अदबी मवाद मिले थो जेको उन ॿोलीअ जे लिसानियाती साख़त खे ॼाणण में मदद करे सघे साख़त माना कंस्ट्रक्शन सिंधी ॿोलीअ जे उन बुनियाद बाबति डॉक्टर जेटलीअ जो रायो बि जयराम दास दौलत राम जे राय सां मिलंदड़ झुलंदड़ आहे उन साॻे इंटरव्यू में डॉक्टर जेटली वधीक चए थो मां इन नतीजे जी डॉक्टर जेटलीअ जो रायो आहे मां इन नतीजे ते पहुतो आहियां त मोहन जे दरिए जी ॿोलीअ खे प्रोटो हिंद यूरोपी नस्ल जी ॿोली मञणो पवंदो असांखे इहो मञणो पवंदो त उते का अहिड़ी क़ौम वसियल हुई जेका प्रोटो हिंद यूरोपी या आर्यन खां अॻु वारी नसुल जी हुई
हुननि ॿोली वैदिक संस्कृत खां अॻु वारनि लहजनि मां हिकु पुराणे लहजे वारी हुई जेका उहा ॻाल्हाईंदा हुआ। यानी जेका सिंधी आहे सभु वैदिक संस्कृत खां अॻु में ॿोली आहे। हीउ डॉक्टर जेटली जो रायो आहे, जंहिंजी तस्दीक पोइ बाद में जयराम दास दौलतराम कई आहे, डॉक्टर बलोच कई आहे। जेसिताईं मार्कंडे जे राय जो वास्तो आहे, उनजी मुखालफ़त डॉक्टर बलोच कई आहे। मां सम्झा थो हुनखे वधीक डिग न करे। मज़कूर रायनि खां अलावा सिंधीअ जे बुण बुनियाद बाबति हिकु ॿियो बि रायो मुरविज आहे, जंहिं ज़रिए सिंधीअ जे असुल नसुल खे द्रावणी नसुल वारनि ॿोलियुनि में ॻोल्हण जी कोशिशि कई वई आहे। अहिड़ी राय जो ॿिज पहिरीं पहिरीं इहा राय किथां आई त भई द्रावर मां द्रावणी जे नसल मां निकितल आहे। इन राय जो ॿिज फादर जॉर्ज शर्ट, मिस्टर बीन्स ऐं प्रोफेसर कॉल्डवेल जहिड़नि यूरोपी आलमनि जे बयाननि में आहे, ऐं हाणोके दौर में डॉक्टर ग़ुलाम अली अलाना, डॉक्टर परसो गिदवाणी ऐं कंहिं हद ताईं डॉक्टर बलोच इन नज़रे जा हिमायती आहिनि। जॉर्ज शर्ट सिंधी ॿोलीअ जो बुनियाद बाबति 1978 में हिकु मज़मून लिखियो, जंहिंमें हुन सिंधीअ में सादे हलंदड़ लघवी ज़ख़ीरे ऐं ॿिनि नरालियुनि ग्रामरी ख़ुसूसियतुनि खां मुतासिर थी सिंधीअ जे संस्कृत मां निकिरण वारे नज़रिए खे नाकारियो हो, ऐं उन बजाए सिंधीअ जे द्रावणी बुनियाद हुजण वारे नज़रिए जी पुठिभराई कई हुई। उन मज़मून में जॉर्ज शर्ट लिखियो, इहो बिल्कुलु सचु आहे त सिंधी संस्कृत ज़ुबान जी धीउ आहे, पर साॻे वक़्तु इहो बि ज़हन में रखणु घुरिजे त संस्कृत वारो निज ख़ून सिंधीअ में न आहे। इहो डॉक्टर शर्ट जो रहियो आहे। उनजे ग्रामर जे मुख्य भाङनि जो बुनियादु संस्कृत आहे, मगर हिकु अहम ऐं ख़ासि ख़ुसूसियत यानी ज़मीनी पछाड़ियुनि जो इस्तेमालु वेंदो म ईंदो म, हाणे इहे जेके या इहे जेके आहिनि न पछाड़ीअ जूं सिंधीअ जे ईरानी ज़ुबान सां इहे मिलाइनि थियूं, हालांकि इन ई इस्तेमाल में उन्हनि ईरानी ज़ुबाननि खां इहा सिंधी घणो अॻिते आहे। जॉर्ज शर्ट अॻिते हली मिस्टर बीम्स जो हवालो ॾींदे लिखियो, जॾहिं सिंधीअ मां सभु संस्कृत अरबी ऐं फारसी लफ़्ज़ कढी छॾनि था, त बि हिकु वॾो ज़ख़ीरो अहिड़े लफ़्ज़नि जो बचे थो जंहिंखे मिस्टर बीम्स पंहिंजे कंपेरेटिव ग्रामर यानी तकाबली ग्रामर वारे किताब में देसी करे छॾियो। सिंधीअ में दर हक़ीक़त इहो ज़ख़ीरो एतिरो त घणो आहे जो जेका फ़क़ति अहिड़नि लफ़्ज़नि खे इस्तेमालु कंदे पूरो मुकालमो लिखी सघिजे थो। हाणे इहे लफ़्ज़ किथां आया? श्री शर्ट पोइ चवे थो त मुंहिंजे ख़्याल में इन ई में को शक न आहे त इहे लफ़्ज़ उन ज़ुबान जा बकाया लफ़्ज़ आहिनि जेका आर्यन जे अचण खां अॻु सिंध में ॻाल्हाई वेंदी हुई। आर्यन ग़ालिबनि इन्हनि द्रावड़ी नसल जे किन कबीलनि खे जेके मौजूदा ब्रोहिन जा वॾा हुआ, तिन खे पहाड़नि ॾे हकाले कढियो ऐं सिंध जे बाक़ी बाशिंदनि खे घटि ज़ात जे तबिके में मिलाए छॾियो। हाणे इहे जेके ब्रोही आहिनि से बलूचिस्तान वारे इन जेको सिंध जो बलूचिस्तान सां लॻंदड़ पासो आहे उन पासे जा आहिनि, ऐं इहे ब्रू इन्हनि जो ज़िक्र तव्हांखे ऋग्वेद में मिलंदो। मूं हिकिड़ो ॿियो पेपर लिखियो आहे पणी लोकनि ते, सिंध जा पुराणा पणी लोक, उन में मूं हुनजो पूरो वॾो ज़िक्र कयो आहे त इहे जेके ब्रूही आहिनि इहे उन वक़्त जे इन सां इन जे संस्कृत विद्या सां जुड़ियल हुआ। सिंध जो ॿियो आलिम डॉक्टर अलाना 1974 में हैदराबाद सिंध मां शाया थियल किताब सिंधी ॿोलीअ जो बुण बुनियाद में सिंधी ॿोलीअ जी भेट किन द्रावड़ी ॿोलियुनि सां करण बाद चवे थो, आर्यन जे अचण खां अॻु उपखंड में द्रावड़ी ॿोलियूं चालू हुयूं। इन करे चइबो त मोहन जी दड़े वारी ॿोली बि का क़दीम द्रावड़ी ॿोली हुई। मोहन जे दड़े वारी क़दीम तहज़ीब ऐं क़दीम ॿोली द्रावड़ी तहज़ीब ऐं द्रावड़ी ॿोलीअ जी निशानी आहे। साॻे किताब में अलाना कॉल्डवेल जो हवालो ॾींदे चवे थो त जेकॾहिं कॉल्डवेल जी राय मूजिबि द्रावड़ी ॿोलियूं स्थेन ॿोलियुनि जे मार्फत
तुरानी खानदान से एक जरा रखन दियो तो ये छोड़ चाहिए तो द्रावड़ी बोली जो बुण बुनियाद मोन की दरी की बोली है मोन की दरी वाली बोली यानी सिंधवी सिंधवी या सिंधवी या सिंधी जो बुनियाद तुरानी बोली से वास्तो रखी यानी तो अलाना साहब सिंधी बोली जो बुनियाद द्रावड़ी मोन के दड़े वाली बोली अना भी क्या सराई कहते उन बुनियाद तुरानी बोली से बोले तो जैसे तो सब का वही गाल है तो मोन के दड़े वाली बोली जी वहाँ उनके फैसलो ही जाना चाहिए हाँ सिंध जहा असलो का रहा को द्रावर हुआ आर्यन अची आर्यन अची उनके पहाड़ के हकाले कजो या छा इन गाल की का भी तारीख हिसाब की ना है खुद आर्यन के बहर आमद वो नजरियो भी इन टुटी पे है छो तो हाँ ढो यो नजरियो जोर वो पे वे तो आर्य किथा बहर न आया हुआ पर वो इन भारत वर्ष ज ही मानू हुआ खुद सराज मेमण भी पहले किताब सिंधी बोली में अड़ो नजरियो जाहिर कर आर्य सिंधु मातृ जी राहक हुआ उनका किताब मशहूर किताब थोड़ा विच में रिटर्न ऑफ आर्यंस असो सिंधी आलम हो जो अमेरिका में रहे तो भगवान गिदवाणी उन सारी दुनिया में उन किताब का जिक्र थो रिटर्न ऑफ आर्यंस उनमें उन है तो भाई ये इतना जहाँ हा व्या हा वही वापस सुल्तान होने टीपू सुल्तान ने भगवान गिदवाणी ने ही किताब ताजो ही यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसन जे प्रोफेसर जे मार्क किनायर भी पेंजे एक मकाले एंशियंट सिटीज ऑफ इंडस वैली में यो साफ चयो आहे त इहो समुझणु ग़लति आहे त सिंधु तहज़ीब ऐं उनजो उनजे शहरनि खे को ॿाहिरां आयल माण्हुनि या क़ौमुनि अची वसायो हो पर दरअसल हड़प्पा शहर वारे हिसे खे हिते जे मुक़ामी यानी ॾेई माण्हुनि 3,300 क़िबले मूसा यानी बिफोर क्राइस्ट क़िबले मूसा माना बिफोर क्राइस्ट बीसी 3,300 क़िबले मूसा खां 2,600 क़िबले मूसा धारे आबाद कयो ऐं अहिड़ो को बि सबूत नथो मिले त हिन इलाइक़े में का ॿाहिरियनि या ॿाहिरीं या धाड़ी क़ौम अची रही हुई या आबाद थी हुई ख़ुदि पाकिस्तान जे हिकु वॾे तारीख़दान ऐं हुतां जे आसार क़दीमा जे डायरेक्टर जनरल मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल बि सिंधु तहज़ीब जे बारे में इहो रायो ॾिनो आहे हाणे माण्हू ढिग नथो कढियां रायो इहो ई आहे त आर्य हितां जा ई आहे ऐं ॿाहिरां को केरु कोन आया इन सभिनी ॻाल्हियुनि जे मदेनज़र असांखे सिंधी ॿोलीअ जे बुण बुनियाद खे आर्यन खां अॻु जे कंहिं तहज़ीब ख़ुशूसी तरह द्रावण या मुंडा तहज़ीब सां जोड़ण खां अॻु पहिरीं मोहन जे दड़े मां मिलियल मुहरुनि जी सामग्री ऐं मालूमात जी पूरी छंड छाण थी पीअण ऐं नतीजनि ताईं तरसणो पवंदो उन खां पोइ असांखे को नतीजे ते कंक्लूजन कढणु घुरिजे बहरहाल तकाबली ऐं तारीख़ी भाषा विज्ञान जी रोशनीअ में हिकु ॻाल्हि तय आहे त ईस्वी सन खां सैकड़ो साल अॻु संस्कृत ऐं आर्याई ॿोलियुनि सां सिंधी ॿोलीअ जो बेहद क़रीबी रिश्तो रहियो आहे छो त हू ॻाल्हियूं त अञा ताईं शक में आहिनि पर वैदिक ॿोलीअ सां हिन संस्कृत सां उहो त हिन में त को शक ई कोन्हे को वैदिक संस्कृत ख़ासि तौर ऋग्वेद जी ॿोलीअ सां सिंधी ॿोलीअ जी हिकु जहिड़ाई त सर्व सिद्ध हक़ीक़त आहे इन जे मदेनज़र ईअं चई सघे थो त ऋग्वेद जे मंत्रनि जे जुड़ण वारे वक़्तु या पोइ उन खां बि के सदियूं अॻु सिंधु मातृअ में जेके पुराणियूं प्राकृतियूं ॻाल्हाई वेंदियूं हुयूं तिन में ई सिंधी ॿोलीअ जो बिज समायल हूंदो वैदिक संस्कृत जी साथियाड़ी माना उनजी सहेड़ी ॿोली साथियाड़ी उनजी वैदिक संस्कृत ऐं उनजी साथियाड़ी ॿोली या उपभाषा हुअण तौरु उन वक़्त वारी सिंधी या सिंध जी ॿोलीअ जो रूप ऋग्वेद जे मंत्रनि सां घणो मिलंदड़ हूंदो
जयराम दास दौलत राम उनके प्री वैदिक प्राकृत डॉक्टर बलोच उनके प्रोटो प्राकृत छाकाण जो वरी मुस्लिम आए उनके वैदिक लॉस पसंद ना आयो उन्हें चयो प्रोटो प्राकृत जयराम दास चयो तो प्री वैदिक प्राकृत डॉक्टर बलोच उनके प्रोटो प्रोटो मतलब सागे प्रोटो माना आगवारी प्रोटो प्राकृत ए डॉक्टर मुरलीधर जेतली है उनके बुनियादी प्राकृत सिंधी सदे तो गाल सागी है जेका हिंद आई आई भाषा की पहली मंजिल है जेका ईस्वी सन का 500 साल अग पाणिनीय वाले वक्त ताई हले थी ईस्वी सन का 500 साल अग 500 साल ताई सिंधी बोली साहित्य प्राकृत में ए साहित्य पाली जा असर खणी 495 ईस्वी का हाँ वही अचूं था ईस्वी टुकी था अचूं हाँ अग में वो गाल पे कही थी बिफोर क्राइस्ट हाँ इधर थी आफ्टर डिमाइस आप एंडी असर खनी 495 ईस्वी का वठी 631 राय घराने ए 631 का 711 सबनी के खबर है शायद जो हो 631 का 711 ताई ब्राह्मण घराने के राज दौरान नागर अपभ्रंश ए सिंध के उतरे हिस्से की वराचिर अपभ्रंश का असर खी उसरंदी हले थी जिस ताई अपभ्रंश जो वास्तु है भारतीय भाषा शास्त्री 17वीं सदी के मार्कंडेय के इन राय के तो मौजूदा सिंधी वराचिर में निकल आए उनके तो अजकल अक्सर सिंधी आलम रद्द कर चुका है खुद अवैली आलमन अर्नेस्ट ट्रम्प ग्रियर्सन वगैरह पण उनके उन्होंने शक जाहिर किया हुआ मथे जिक्र कयल जुदा जुदा बयान ए बहस हेठ आंदल मुद्दन जे मद्देनजर हेचू गाल साफ थी पीन हाँ कॉन्क्लूजन इन सही पेपर या रिजल्ट पहली गाल आलमन की अक्सरियत माना मेजॉरिटी विद्वान की मेजॉरिटी इन गाल ते मुतफिक राय है तो सिंधी आर्याई बोली है संस्कृत सां चिट्टो अटूट संबंध रो है ट्रोम गियर्सन स्टैक जरा विद्वान तो सिंधी जो जन्म लिखी नहीं संस्कृत में था जयराम दास दौलत राम प्रोफेसर अजवाणी डॉक्टर मुरलीधर जैतली सिंधी जो असल नसुल वैदिक संस्कृत की साथियारी बोली तौर लिखन था जयराम दास दौलत राम सिंधी जो बुण बुनियाद प्रो वैदिक प्राकृत में पर डॉक्टर बलोच प्रोटो प्राकृत में दिसे तो बी गाल डॉक्टर बलोच पैंजी इन राय लाए तो सिंधी बोली जो बुण बुनियाद सामी बोलियन वाली सत के कें बोलिया में है तैं को भी सबूत न दिनों है तेज कर फिलहाल वह गाल रद्द सिराज मेमण संस्कृत बोली की जन्म सिंधी में थियण की लंबी दवाद कई पर उन जो आधार मोन के दर के सामग्री के बनाने चाहो जेस ताई उत पुख्ता ए पक्का सबूत मिलन तेस ताई सिराज की दवा ए बेन जो ये दवाओं तो सिंधी बोली कें द्रावड़ी बोली में निकल है तैंके तस्लीमी लाए तरसणो पवंदो बाद में इन गाल ते विचार कबो तस्लीमी लाए तरसणो पवंदो मोन के दर वाले मोहरन ए बी सामग्री ते लिखल ए उकरियल लिखतन जी इत्मीनान बख्श पढ़ने के मंजर आम ते अचण बाद ही अहम दावान बाबत को फैसलो कर सको तारीखी भाषा विज्ञान ए तकाबली माना हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक जेका सिलसिलेवार ए तकाबली थी है कंपेरेटिव तकाबली माना मुकाबलो तकाबली लिंग्विस्टिक माना चाहे मां सिंध लाइ लिखा आया तो करे मुख्य उतां जो ख्याल करनो पवंदो है लगाने मां तुलनात्मक अध्ययन जी हां तुलनात्मक अध्ययन भाषा विज्ञान के उसरन मुझे फिलहाल इन राय ते इत्तफा करनी पवंदी तो सिंधी बोली एक इंडो आर्याई बोली है वह वैदिक संस्कृत ए संस्कृत सा नजदीक जो रिश्तो रखे थी जैसे चई सके तो वह ईस्वी सन के शुरुआत ताई बोधी साहित्य पाली बोधी के असर हेठ ईस्वी सन के शुरुआत का अटकल 500 साल ताई प्राकृत वाली प्रक्रिया में गुजरी ए साथी प्राकृतों जा असर खयाई साथी प्राकृतों उन जा असर खयाई ईस्वी 500 का राय घराने ब
ब्राह्मण घराने ये सब सिंध जा हक में रहे हैं, बादशाह रहे हैं सिंध जा, जिन राज के राय घरानो ब्राह्मण घरानो समझो राय घराने ब्राह्मण घराने ताई मकानी अपभ्रंश जेंगे सिंध भी अपभ्रंश सदे जे तो ते तौर उसरी 1712 का 1750 ताई 712 में मोहम्मद बिन कासिम हसन फतह थी 712 का 1750 ताई अरबन जे राज दौरान उन अरबी लुगात जा ऐं थोड़ा घणा अरबी सर्फ नव माना ग्रामर ग्रामर ऐं उनखे सर्फ ऐं नव चइबो आहे त कुझु लफ़्ज़ त घणा कयईं पर उनजो ग्रामेटिकल असर बि कुझु सिंधीअ ते पियो अरबन जो अरबी लुगात जा ऐं थोरा घणा अरबी सर्फ़ नव जा असर कयईं ऐं 11 सदी ईसवीअ धारे ॿियनि इंडो आर्याई भारतीय ॿोलियुनि वांगुरु इंडो आर्याई ॿोलियुनि जी नई मंज़िल में जुदा कान हैसियत धारण करे जुदा जदीद भारतीय ॿोलीअ तौरु उहो हाणे उभरी थी आहे इहो थियो सिंधी ॿोलीअ जो इतिहास हाणे बाक़ी ॿ पेज जेके आहिनि उहे सिंधी लिपीअ बाबति छो त लिपी ॾाढो अॼुकल्ह जो मसालो लिपी आहे हा साईं इजाज़त आहे न मालिक तव्हांजो हिन जा सिंधी ॿोलीअ लाइ मुरागे जी लिपियुनि जो इतिहास सिंध जी इतिहास ईसवी सन खां घटि में घटि 3000 वरे अॻु मोहन जे दरे ताईं वञे थो मोहन जे दरे वक़्तु उते जेका ॿोली ॻाल्हाई वेंदी हुई सा कहिड़ी हुई सो चवणु मुश्किल आहे उतां खोटाईअ दौरान लधल अनेक मोहरनि ऐं सामान रखण जे ठावनि ते के लिखावटूं मिलियूं आहिनि ऐं उहे जंहिं लिपीअ में आहिनि तंहिंखे इंडस स्क्रिप्ट या सिंधु मातृअ वारी लिपी सॾियो वञे थो उन ते सिंध जा भारत जा फिनलैंड ऐं ख़ासि करे फिनलैंड जो आस्को परपोला मशहूरु विद्वान आहे ॾाढो जे ॾाढो वीचारे सॼी ज़िंदगी हिनखे ॾेई छॾी आहे नॉर्वे ऐं अमेरिका जा कुझु लिपि शास्त्री कमु कंदा रहिया आहिनि ऐं इन विषय ते 100 खां सिंध में 100 खां वधीक किताब निकिरी चुका आहिनि मां ख़ाली तव्हांखे हिकु मथो ॾेखारियां त केॾो उन्हनि कमु कयो आहे अहिड़ा मां 100 किताब 10 किताब मूं वटि आहिनि बाक़ी मां ॾिसी चुको आहियां ऐं उन्हनि एतिरे क़दुर जो हितां जो वॾे में वॾो विद्वान जेको आहे इश्के राव एस आर एस राव बैंगलोर जो उन वॾो कमु कयो आहे हिन ते इहा सचमुच असां लाइ घटिताई आहे जो इहो जेको विरसो आहे इहा जेका हेरिटेज आहे इहा हेरिटेज असांजी आहे इहा हेरिटेज हिंदू सिंधियुनि जी आहे छाकाणि जा इहा उन वक़्तु इस्लाम अञा पैदा कोन थियो हाणे उन ते अॼु मुसलमान असांजा भाउर असांजा मुस्लिम भाउर अता मोहम्मद भमड़ो ऐं ॿिया केतिरा ई जेके आहिनि एहसान दानिश ऐं केतिरा जेके आहिनि उहे कमु कनि पिया त असांखे इन ॻाल्हि ते ध्यानु ॾियणु घुरिजे ऐं सभ खां वधीक मां सिंधी अकेडमीअ खे इहो वेनती कंदुसि त केतिरियूं जेके अध खां वधीक ओरिजिनल मोहरूं आहिनि से हिते रखंदो अञा ताईं तव्हांखे अहिड़ा ख़बर आहे हिते नेशनल म्यूज़ियम में बॉम्बे जो जेको बॉम्बे जो म्यूज़ियम आहे असांजे दासवाणी साहिब खे ख़बर आहे त हू घुरी घुरी बीठा आहिनि पर छाकाणि जो इहा खोटाई जेका थी अंग्रेज़नि जे टाइम में थी 1921 में त उन वक़्तु अंग्रेज़ हिते ई खणी आया छाकाणि वॾे में वॾो म्यूज़ियम जेको बॉम्बे जो म्यूज़ियम हो उहे अञा ताईं उते अथव ऐं दिल्लीअ में अथव तंहिंजे करे मां भेण खे हिननि खे एकेडमीअ जे मानीकारनि खे मां अर्ज़ु कंदुसि त घटि में घटि जेके नई टई वारा आहिनि जेके यंगस्टर्स आहिनि उन्हनि खे वठी उन्हनि खे ॾेखारियो त असांजी हेरिटेज छा आहे जंहिं ते सॼी दुनिया नाश थी करे सभई किताब लिखिया विया आहिनि
ऐं असांजे भाउरनि खे केतिरनि खे ख़बर कोन्हे का इतिहास ताईं घटि त ई आहे एनीवे ज़रूरु वठी वञो ऐं उन्हनि में चाह पैदा कयो जेकॾहिं तव्हां सौ दिल्लीअ जे ॿ सौ ॿारनि खे वठी था वञो ऐं उन मां हिकिड़ो ॿार बि पैदा थियो न जंहिं हिन ते वधीक कमु कयो त सम्झो कामयाबी अचे ॿिए पासे ॾिसजे त सिंधी ॿोलीअ जे बुण बुनियाद बाबति हाणे राय घणाईअ में आलम क़बूल करे करे रहिया आहिनि त उहा वेदनि खां अॻु वारी प्राकृतिक जे कंहिं रूप मां निकिती उन वक़्तु त ब्राह्मी लिपि मुरवज हुई ऐं मुमकिन आहे त उन वक़्तु वारी सिंधी बि ब्राह्मीअ में लिखी वेंदी हुजे बहरहाल हिकु ॻाल्हि पकी आहे त ईसवी सन खां अटिकल 500 साल अॻु जॾहिं ईरानी हाकुम दारा नालो तव्हां ॿुधो हूंदो ॿ नाला हमेशह रहंदा आहिनि हिकिड़ो सिकंदर ॿियो दारा उहो दारा हो ईरान जो जंहिंखे अंग्रेज़ी में चवंदा आहिनि दैरियस डी ए आर आई यू एस दैरियस चवंदा आहिनि ऐं दारा उहो ईरान जो इहा ईसवी सन खां 500 साल अॻु जी मां ॻाल्हि थो ॿुधायांव उन सिंध फतेह कई ऐं सिंध फतेह कई ऐं चयईं त भई सिंध जा हुननि ते ॾनु मरे ॾनु माना सम्झो न माना कर टैक्स लेवी लेवी त उहा मरियई त भई तव्हांखे ऐं चयईं त भई मूंखे तव्हांजी ॿोली सम्झ में न त हीअ मुंहिंजी जेका ॿोली आहे उन ॿोलीअ में हिसाबु किताबु सभिनी खे रखिणो आहे हाणे ॿोली उहा कहिड़ी हुनजी हुई उनखे असांजे भाउरनि सॼो खरोश थी छो जो हुननि खे वरी इहा ॿोली इहा लिपि सॉरी लिपि उहा लिपि उन्हनि खे सम्झ में कोन ईंदी हुई जॾहिं करे हुनजो नालो हुननि रखियो खरोष्टी खरोष्टी जो मतिलबु आहे गॾह जे चपल त उहा उन करे असांजे सिंधियुनि वरी चयो त असां हिन में न रखंदासीं असां जेको हिसाबु किताब आहे पंहिंजी हिन में ई रखंदासीं त सिंध जे माण्हुनि ते ॾंग त मरियाई ऐं कंहिं इनजो हुकुम कयई त हिसाबु किताबु रखणु ऐं सरकार सां लिख पर उन वक़्त जे ईरान में वापे ठहंदड़ फारसी ॿोलीअ ऐं लिपीअ में कनि पर सिंध जे अवाम लाइ उहा सम्झ खां ॿाहिरि हुई उन नज़रअंदाज़ कयो ऐं पंहिंजी हाणे उहो लिखनि था जेको इतिहास में अचे थो जेका मेन ॻाल्हि आहे ऐं पंहिंजो कारोबार बॉम्बे बॉम्बे लिपीअ में ई कंदड़ आहे हाणे बॉम्बे जेको आहे उहो बिगड़ियल आहे ब्राह्मी ब्राह्मीअ जो बिगाड़ आहे बॉम्बे जीअं ब्राह्मणाबाद खे चवंदा आहिनि बामनाबाद बामनाबाद ख़ुदि असां चवंदा आहियूं असां ब्राह्मण थोरी चवंदा आहियूं सभई चवंदा आहिनि ब्राह्मण सभई चवंदा आहिनि ब्राह्मण सो तंहिंजो माना त ईसवीअ खां 500-600 साल अॻु में सिंध में ब्राह्मी लिपि मुरविज हुई 712 में अरबन तरफ़ां सिंध फतेह करण बाद अरबन तरफ़ां सिंध जो माल दौलत लुटणु माण्हुनि जो धर्म मटाइणु ज़नाकारियूं करणु ज़ुल्म करण जा अहिवाल त मिलनि था इतिहास में आहे पर उन्हनि ॿोली या लिपि बदिलाई हुजे अहिड़ो को बि अहिवाल कंहिं तारीख़ में कोन्हे को अहिड़ो को अहिवाल नथो मिले लॻे थो त उन वक़्तु सिंध जा हिंदू जेके ॿोलियूं ऐं लिपियूं कमु आणींदा हुआ उहे ई हलंदियूं रहियूं ॿ मशहूरु जाग्राफ़ीदान ॿ मशहूरु जाग्राफ़ीअ जा एक्सपर्ट हिकिड़ो आहे इस्तख़री इस्तख़री ऐं ॿियो इब्न हॉकल इहे मशहूरु अथव हिन पढ़िया हूंदा असांजे बलदेव मटलाणीअ पढ़ियो हूंदो त इस्तख़री हुनजो वॾो किताबु आहे इन्हनि जो किताब जो नालो आहे अल बयान उल मसालक व अल ममालक माना मसालक माना पंथ ऐं मज़हब मज़हबनि ऐं अल ममालक माना मुल्क मुल्क जो प्लूरल थींदो आहे ममालक त मुल्कनि ऐं धर्मनि जो बयान उहे किताब हुनजा मशहूरु आहिनि उन में हू लिखनि था त इन इन इलाइक़े में अरबीअ सां गॾु ॾेही ॿोलियूं सिंधी ऐं बलोची जयराम दास दौलत राम पंहिंजे किताब सिंधी ॿोली ऐं लिपीअ जो इतिहास में साबितियुनि सां अहिड़ो अहिवालु ॾिए थो त
आगाटी संत ने देवनागरी लिपि मुड़ाविज हुई वो अथवा किताब अथवा वॉइस ऑफ ट्रुथ ऐं ॿियो संत मां ॿियो हिकिड़ो किताबु लिखितो आहे हीअ किताब आहे संत मां किताबु लिखितो आहे जयराम दास दौलत राम जो किताबु आहे हाणे सिधो आहे न बम्बोर जे खोटाईअ मां तव्हां ॾिसंदा जेकॾहिं वेझराई तव्हां ॾिसंदा त बिल्कुलु देवनागरीअ सां मिलंदड़ जुड़ंदड़ रंग चॉकलेटी थी वियो जो हाणे जंहिंखे वणे उहो किताब पढ़े जंहिंखे वणे चॉकलेट खाए जयराम दास दौलत राम सिंध में देवनागरी लिपि हलंदी हुई ऐं हुन लाइ हुन तमामु पकी साथी ॾिनी आहे गज़ेटियर ऑफ सिंध 1874 सरकारी गज़ेटियर त आख़िरी साथी आहिनि पेज 128 हू चवे थो त सन 1854 में मिस्टर ब्लेसिस ब्राह्मणाबाद जे खोटाई कंदे जवाहरी पथरनि मां ठहियल के शयूं रधियूं जेके अॼु लंडन जे म्यूज़ियम में रखियल आहिनि ऐं मिस्टर ब्लेसिस जो चवणु हो त उन ते लिखियल अखर देवनागरी या उन जहिड़ा आहिनि सिंध मां खोटाईअ दौरान के सिका बि मिलिया आहिनि जिन ते लिखियल अखरनि बाबति ॿिए हिकु विद्वान हेनरी कुज़न्स रायो ॾिनो आहे त आगाटी देवनागरी जा आहिनि हेनरी कुज़न्स जो किताबु मशहूरु अथव एंटीक्विटीज़ ऑफ सिंध मां लकी आहियां मूं उहो किताबु पढ़ियो आहे हेनरी कुज़न्स जो एंटीक्विटीज़ ऑफ सिंध उन में पेज नंबर 178 ते हेनरी कुज़न्स चवे थो त जेके सिका आहिनि उन ते जेका ॿोली लिखियल आहे लिपि आहे सा देवनागरी आहे अहिड़ीअ तरह मौजूदु ॼाण मूजिबि अरबनि जे आय खां पोइ बि सिंध में सूमरनि समन अरगुननि तूफ़ाननि वारे राज दौरान बि असुल अरबीअ सां गॾो गॾु देवनागरी हिंदू सिंधी हटवाणकाई खोजकी ऐं के मकानी लिपियूं मुड़वेज हुयूं मीरनि टालपुरनि जे राज दौरान उन खां पोइ आया मीर ऐं टालपुर मीरनि टालपुरनि जे राज दौरान हुकुमराननि जे पसंदीअ सां वरी पारसी ॿोली ऐं लिपि वाइपे में रही पर हुकुमराननि उन्हनि जे वाइपे लाइ कंहिं ज़ोर ज़बरदस्तीअ खां कमु न वरितो ऐं मज़कूर लिपियूं बि हलंदियूं रहियूं 17वीं-18वीं सदीअ में सिख पंथ जे ज़ोर वठण ऐं सिंध ताईं फहिलाउ बाद गुरमुखी लिपिअ बि सिंध में दाख़िला वरिती 17वीं-18वीं सदीअ में गुरू आया गुरु नानक देव उन खां पोइ सिख पंथ जारी थियो गुरु गोबिंद सिंह त उन्हनि जी लिपि हुई गुरमुखी ऐं उहा सिंध ताईं फैली छाकाणि जो हुननि जो उनजी हिस्ट्री आहे कलरनि तमामु तंग कयो त हिंदू भॻा हिननि वटि कहिड़ो राजा रंजीत सिंह खे चयऊं उहो 5 प्यारा गुरु खणी सिंध में आया ऐं इहे सिंध में सिख पंथ जी दाख़िला थी इहे वॾियूं हिस्ट्रियूं आहिनि जिन खे चाह हूंदो उहे पढ़ंदा ऐं इन तरह गुरमुखी लिपि सिंध में दाख़िल थी तव्हांजो 1853 में सिंध जे कमिश्नर बॉर्डर फ्रेयर जे हुकुम सां कमेटी मुक़ररु करे बावजूदु मुख़ालिफ़त ऐं गोड़ गंबोड़ जे 8 ॼणनि जी कमेटी मुक़ररु कई जंहिंमें 4 हिंदू आहे 4 मुसलमान पर हाणे छाकाणि जो सिंध में मेजॉरिटी मुसलमाननि जी हुई बाए दैट टाइम तंहिं करे ऐं हू अंग्रेज चाहिनि पिया त मेजॉरिटी रखिजे ऐं वरी हुनजो क़ुरान सभु हिन में आहे
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਗਲ ਬਾਰਸ ਫਰੇਅਰ ਸਮਝੋ ਜਤਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਜੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਟੈਗ ਉਹਨੇ ਉਹਨੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਬਾਰਸ ਫਰੇਅਰ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਸਮਝੋ ਪਹਿਲੇ ਬਣੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋ ਗਏ ਬਾਰਸ ਫਰੇਅਰ ਸਮਝੋ ਬਾਰਸ ਫਰੇਅਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਕਮੇਟੀ ਮੁਕਰਕੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੈ ਗੋੜਾ ਗੰਬੋੜਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 52 ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੀ ਅਰਬੀ ਲਿਪੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪੋਏ ਬਿ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਖੁਦਾਵਾਦੀ ऐं गुरुमुखी लिपियूं बि हलंदियूं रहियूं ऐं पोइ वरी भारत में 1950 में सरकार सिंधी ॿोली लाइ देवनागरी ऐं बाद में अरबी लिपी पिणु मंज़ूरु कयूं पहिरीं कयूं त भई हिन में थींदी देवनागरी पर पोइ हुन ते वरी अरबी वारनि दोस्तनि असांजे एतिराज़ु कयो त साल खां पोइ साल ऐं ॾहनि ॾींहनि खां पोइ ॿियो ऑडर कढियूं त अरबी बि हलंदी मंज़ूर कयो हिन सभिनी ॻाल्हियुनि बाबति हिन सेमिनार में जुदा जुदा मकाला पढ़िया वेंदा इन करे मां अव्हांजो वधीक वक़्तु न वठी